प्रणाम। जिस बात की आशंका थी, जिस बात की चिंता थी, आज हमारे ही परिवार के, छत्तीसगढ़ के ही बहू बेटियां जो काम पे बाहर गए थे, वापस आते उनका जब परीक्षण किया गया तो देश के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए हमारे श्रमिकों में से 14 आज पॉजिटिव पाए गए हैं। 6 कबीरधाम जिले से और 8 का लोकेशन दुर्ग का है। तो ये 14 प्रकरण हमारे बीच में आए हैं। मैं यही कहूंगा हम सब छत्तीसगढ़ वासियों को कि पूरा हौसला बनाए रखिए। एक बड़ा संघर्ष है, इसमें सबको एक साथ रह के हमको इस चुनौती का सामना करना होगा। अभी तो और बहुत लोगों को आना है और जितनी व्यवस्था शासन की ओर से संभव होगी हम लोग सब उसमें तैयारी में हैं और प्रयास करेंगे कि छत्तीसगढ़ के नागरिकों को हम निराश न करें। लेकिन संघर्ष के दिन हैं और बड़े संघर्ष के दिन आज एक तरह से मैं मानता हूं कि प्रारंभ हो गए हैं। इस परिस्थिति को भी मिलकर हम लोग पार पाएंगे। पूरी संवेदना रखिएगा, पूरी संतुलन बनाए रखिएगा, निराश मत होइएगा और इस संघर्ष में सहभागी बनिएगा।